हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका मैस का फ्रेंड नारायण डी गवाने, मैस के दीवाने। आज दिन है बहुत मंगल, हम करेंगे क्यों ना गणित में दंगल। ओम गा गणपति नमः, ओम गा गणिताय नमः। व्हाट अ मैजिक इन अ गणपति, देर इज अ ग इन गणेश, देर इज अ ग। गणपति मध्ये ग आहे, गणिता मध्ये ग आहे, गणिते गणपतीचं रूप आहे। समजा रूपा, आता मी आयडिया सांगणार आहे। बहुतेक मुलाने, बहुतेक टीचर लोकांनी आम्हाला रिक्वेस्ट केली, तुम्ही दहावीचे लिहिलेले आहे। यस, आय हॅव रिटन 58 बुक्स। देखो, दसवीं के लिए हम लिखा है, 9th स्टैंडर्ड के लिखा है, लेकिन वो कोरोना के लिए प्रिंटिंग का प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए हम यूट्यूब, बहुत सारे टीचर ने इकट्ठा बोला सर यूट्यूब को, हमको 9 को भी चाहिए, इसलिए हमने यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं। सेट, ये हम आपका जीवन करेगा सेट। तो इसलिए पहले वीडियो में हमने सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, इस सेट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे है, सेट यानी क्या। यो हम दो वी विल टी टॉक फोर लैंग्वेज, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती। तो ये 5 लैंग्वेज में हम मिक्स करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी बोलेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हम क्यों ना स्टार्ट करेंगे संस। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है तो हम ये हम जरूर चालू रखेंगे, नहीं तो हम दसवीं करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब चाहिए और कमेंट चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपका मैथ्स का फ्रेंड नारायण डी गवाने, मैथ्स के दीवाने। हम स्टार्ट करते हैं। यस, मैथ्स। मैथ्स मीन्स व्हाट? माइंड मैथ्स। ये देखो, MATHS, माइंड एंड टेंशन हार्डली सॉल्व इन मैथ्स। तो इतना इंटरेस्टिंग है, तो हम स्टार्ट करेंगे। चलो, 1.1 आपके सामने है, 1.1। तो ये 1.1 पे हम स्टार्ट करते हैं। तो एक एक पॉइंट हम लिखेंगे। तो ये राइट फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म, मराठी में पुढील संच यादी पद्धतीने लिहा। मी पाठच्या व्हिडिओ मध्ये सांगितलं होतं, संच लिहिण्याच्या दोन पद्धती आहेत, गुणधर्म पद्धत आणि यादी पद्धत। ओके, इन प्रिवियस व्हिडिओ आय हॅव टोल्ड दॅट देर आर टू मेथड टू एक्सप्रेस द व्हिडिओ। फर्स्ट लिस्टिंग मेथड, सेकेंड रूल मेथड। तो ये अभी क्या बोला है, देखो, राइट द सेट्स इन अ रोस्टर मेथड। तो ये रोस्टर मेथड यानी लिस्टिंग मेथड, मराठी में उसको बोलते हैं यादी पद्धत। तो याद रहेगी, ये यादी पद्धत के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां देखो, सेट ऑफ यूवन नंबर्स, सम पूर्णांक संख्या। तो सेट ऑफ यूवन नंबर, आपको मालूम है सेट ऑफ यूवन नंबर्स, सम संख्या, स म दो न, स म दो न। तो ये टू का टेबल बोलेंगे, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, वो आंसर। ये स्टार्ट करते हैं हम मैस्ट FM 1.4 FM फर्स्ट मैस, फर्स्ट क्लास मैस, फाइन मैस। तो ये स्टार्ट करते हैं। सेट का नाम ए देंगे, आप कौन सा भी नाम दे सकते हैं, ए फॉर एप्पल, इसलिए ये कर्लिंग ब्रैकेट कर सकते हैं। और बाद में ये सम संख्या, इवन नंबर, तो ये इवन, तो उसका मध्य सम हम उसको डालेंगे बम। तो ये 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। वह इजी है, ताली बजाओ ताली बजाओ, बहुत इजी है। अभी हम सेट के सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, इसको बोलते सम भी होना चाहिए यानी मूल पण होना चाहिए। तो प्राइम नंबर यानी क्या, जो किसके टेबल में नहीं है। तो प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आपको बाहर होना चाहिए। ही मूल संख्या पाठ पाजे, मूल दो न, मूल दो न, सम मूल संख्या एकच आहे। ऑनली देर आर टू इज ऑनली इवन प्राइम नंबर।
तो ये इवन प्राइम नंबर के लिए उसको बोलेंगे ये सेट है, तो सेट का नाम कुछ भी बोल सकते हैं। बी फॉर बॉय, बी फॉर बेबी, ए बेबी टू ध्यान दे बेबी, ये स्टार्ट है। तो सब मूल संख्या ये खाली इतना ही है, यूएम प्राइम नंबर ये है, तो ये दिस इज द आंसर। तो ये आंसर हुआ। ओके अभी आपके क्या बोला देखो, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर तो ये आपको इंटीजर मालूम है, उसको बोलते हैं देखो आपको नंबर लाइन मालूम है, तो नंबर लाइन पे क्या होता है, एक लाइन होती है वो राइट साइड पे प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। तो इंटीजर के लिए मराठी मध्ये सर्व पूर्ण पूर्णांकाचा संच, तो इंटीजर ये आय है, इंटीजर के लिए हम इधर लेंगे कैपिटल आय, तो सब इंटीजर हम लेंगे। देखो ये पहले कौन सा आएगा बोलो, ऐसे भी कर सकते हैं डॉट डॉट डॉट, बोलो -3, -2, -1, कुछ लोग ऐसे भी लोग लिख सकते हैं i=2, इसके उल्टा लिख सकते हैं, बोलो -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, आपको जो अच्छा लगे जो सिंपल लगे आप लिख सकते हैं। मराठी मीडियम अपन सर्व पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या लगा बोला आय ये माझे बाय, तू लक्ष इथे लक्ष द्यायचे हा, इकडे तिकडे बघू नको, हसू नको आय, तर ये आपण एक नंबर लाईन बोलतो त्याला म्हणतो आपण संख्या रेषा, ए रेषा, संख्या रेषेवर मध्ये शून्य असतो, मग 1, 2, 3 असतो, मग हे -1, -2, -3 असते, तसं मग हे फक्त मायनस, मग इथे लिहू शकतो डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, मग इथे उलटले पण लिहू शकतो, हे दोघांपैकी कोणतं पण लिहू शकतो। ओके आता आपण काय करायचं आहे क्वेश्चन नेक्स्ट 7, 4 चार, अरे मेरे यार बड़ होशियार, आपको हो आपका हो जाएगा मेरा गणित में प्यार। तो ये है आप कौन सा भी नाम लिख सकते हैं सेट का, तो सेट का हमने नाम लिया एस है, तो हम इधर एस लिखेंगे। ओके तो इधर ये हम लिख सकते हैं। तो संगीतातील 7 स्वर आपको डबल नहीं आना चाहिए, सारे ग म प द नी सा, लेकिन ये सा वापिस पहला है, एकदा लिहायचं, डबल लिहायचं नाही, डबल लिहिला एकदा जो पेडा खाणार, तर डबल जो पेडा खाणार तो वेडा होणार। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए पहले स्टार्ट करेंगे, तो यह हमारा सा, बाद में उसको बोलते रे, समझा रे, सारे ग समझ लो, ग सारे ग म म सारे ग म पा ए पप्पा सारे ग सारे ग म प हाँ ध ए ध्वनी ध बाद में नी सा नहीं ले सकते क्योंकि इधर सा है, इतना ही हुआ, अब डबल नहीं लेंगे। ओके तो मराठी मीडियम के लिए हम कैसे बोलते हैं देखो, मराठी के लिए हम मराठी में लिख सकते हैं, तो ये मराठी में लिखेंगे सा रे ग म प ध नी, तो ये सा नहीं लिख सकते रिटर्न, तो ये हमारा सारे ग म प ध नी, तो ये आंसर है। अभी हम ले गए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं सेट का 2, 2 यानी ध्यान 2, 2 ध्यान दे तू, 2 गणित में ध्यान 2, यह आइडिया सबको 2 समझा, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी उसको हम रीड करो, रीड, अरे फ्रेंड मेरे फ्रेंड आप बहुत ब्रिलियंट है, आपके टीचर बहुत ब्रिलियंट है, आपके क्लास के टीचर बहुत अच्छे है, वो सच्चे है, मुलं फार तुम्ही चांगले आहात, मुलं देवाचे फुलं। ये राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, ये सिम्बॉलिक है, वर्ड पे लिखना है, राइट खाली चिन्ह दिलेली विधाने शब्दामध्ये लिहायचं, एकदम मराठी सोपं, इंग्लिश फार सोपं आहे,
याला बोलायचं घटक आहे. ये साइन को बोलते हैं इज एन एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं इज एन एलिमेंट. यो या ध्यान रखना. रेडी, बहुत सिंपल है. 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू. 4/3 एज इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू. मराठी मीडियम 4/3 हा संच क्यू चा घटक आहे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए. हम स्टार्ट करते हैं अब. ओके, स्टार्ट. 4/3 इज एन, ये आपको मालूम है, भूलना मत, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्यू. समझ रहे क्यू? तो ये आया, इसका ये आपको रीड करने को आएगा पेपर में 1 मार्क के लिए. तो मराठी में कैसे लिखेंगे? मराठी में सेम लिखते हैं 4/3 हा संच क्यू चा घटक आहे. हा संच क्यू चा घटक आहे. अरे एकदम सोप है, 9वी अतिशय सोप है, 11वीला है. ओके, वापिस देखो. 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू आएगा. 4/3 हा 4/3 हा संच क्यू चा घटक आहे. तो अभी इधर देखो, याला बोलायचं घटक नाही. म्हणजे तुम्हाला लिहिता येईल, कसं लिहिता येईल, सेम बरोबर. -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन. -2 हा संच एन चा घटक नाही. किती सोपा आहे बघा, मी काय बोललो आठवा लवकर. -2 हा संच एन चा घटक नाही. -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन. तो हम ये लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिखेंगे ये, बोलो -2, मेरे साथ बोलते जाना. -2 इज नॉट, इज बोलो इज नॉट एन, बोलो एलिमेंट्स ऑफ सेट एन. इंटरेस्टिंग है. तो ये वजा दोन हा संच, एन चाचा, -2 हा संच एन चा घटक नाही. ओके, फार सोपं आहे की नाही? आता पुढे आपण जाऊया. आता हे तुम्हाला वाचता आलं पाहिजे, हे पेपरला नेहमी येतं, हे लक्ष द्या. हे कसं येतं ते बघा. मी पहिलं मराठी सांगतो, मातृभाषा झाला का पितृभाषेमध्ये बोंबलता येतं. हे तुम्हाला सांगणार काय करायचं, तुम्हाला वाचायचं आहे. हां, तर तुम्हाला वाचता येतं की नाही मराठीमध्ये बघा. संच पीचे, संच पीचे घटक पी, इथं बोलायचं घटक संच पीचे. हे बघा, हे मराठी मीडियम बघा. संच पीचे घटक पी असे आहेत की, मराठी मीडियम संच पीचे पी हे असे घटक आहे की, पी ही विषम संख्या आहे. बघा इंग्लिश मीडियम सेट पी, यस इधर ध्यान देना, सेट पी यस, हे बघा सेट पी. इथं बोलायचं इज अ, सेट ऑफ इथे बोलायचं सेट ऑफ ऑल पी सच दॅट पी इज अ ऑड नंबर. आता परत बघा, मी तुम्हाला व्यवस्थित लिहून दाखवतो, तुमच्या लक्षात येणार. बघा मराठी मीडियम, पहिले इंग्लिश मध्ये लिहूया. मुलं इंग्लिश मीडियमची मुलं तुमच्या सारखीच आहे. हा हे बघ, सेट पी एकदम सोपं आहे. सेट पी इज अ, सेट पी इज अ सेट ऑफ,
Set P is a set of all P. इथे बोला था such that मैं तो कॉमा करायचा आणि हे पूर्ण तसं तसं लिहायचं. हाँ, P is an, हे पाहून लिहायचं is an odd number. वापिस देखो, प्लीज लिसन अगेन. सेट पी इज अ सेट ऑफ, हाँ बोलो, ऑफ ऑल पी सच दैट. इतना तो आपको आया, वापिस देखो. सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पी सच दैट. ऐसा जान अब कितना इधर दे रहे, दो दो तीन बार बोल रहे हो क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा है, यह आएगा ही पेपर पे. सेट पी इज इसको क्या बोलना, इज अ सेट, इधर आएगा सेट आएगा. सेट पी इज अ सेट, हाँ बोलो बोलो. सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पी, इतना बोलना है, सच दैट, कॉमा करके ये बोलना है पूरा. पी इज एन ऑड नंबर, इधर देखो आया. तो मराठी मीडियम के लिए अभी हम मराठी में जाएंगे. मराठी एकदम इजी आहे. संच पीचे घटक पी, बघा, संच पीचे घटक पी. इथे बघ, घटक संच हा बाहेरचा संच आहे. संच पीचे घटक पी, इथे बोलायचं असे आहेत की, असे आहेत की, मग कॉमा करायचं हे तसं तसं लिहायचं. हो, कॉमा करायचा हे सेम लिहायचं. पी ही विषम संख्या आहे. एकदम सोप्पा आहे, टेन्शन घेऊ नका. परत सांगतो तुम्हाला, संच पीचे, इथे चे बोलायचं, संच पीचे, इथे बोलायचं घटक पी, इथे बोलायचं असे आहेत की, म्हणजे तसं तसं, पी ही विषम संख्या आहे. परत चेक करा, संच पीचे पी असे घटक पी असे आहेत की, इथे आहे, मग इथे का बोलायचं असे आहेत की पी ही विषम संख्या आहे. ओके, पुन्हा बघायचं आणि करायचं. गुजराती मीडियम और उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम आपको किताब में दिया है, वो ट्राय करो. ठीक है, तो ये अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेट. अभी तीन तो होगा गणित का जिन, तो आता अपन स्टार्ट करना तीन नंबर गणित. राइट एनी टू सेट्स ऑफ लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड. ये आपको क्वेश्चन पेपर पे आता ही है 100%. ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है. मराठी मीडियम कोणते संच यादी पद्धति गुणधर्म पद्धति लिहायचे दोन, कौन सा भी. मैं सबसे अभी आपको इजी लिखा देखे दिखाता हूं. सबसे मेन, आप बचपन में किसको बोलेंगे, आप बोलो 1 2 3, आप बोलेंगे ना 1 2 3 डट डट डट, तो 1 2 3 जो बोलते निसर्ग, नैसर्गिक, नेचुरल नंबर, नैसर्गिक संख, तो ये नेचुरल नंबर के लिए है, हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर. ये हाँ, ये जो बोल रहे मैं, ये यादी पद्धत है, उसको हम क्या बोलेंगे बोलो. यस, ये यादी पद्धत लिस्टिंग मेथड, उसको हम क्या करेंगे रूल मेथड. तो इसको मराठी में इंग्लिश में सेम बोलेंगे. नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, गुर्जर सब मीडियम यही लिखेंगे. उसको बोलते क्या बोलते
लिस्टिंग, इसको बोलते हैं मराठी में यादी पद्धति, वो प्लीज याद रखना। अभी इसको हम उसको हम चेंज करेंगे मराठी में गुणधर्म पद्धति, तो इसके लिए हम ए एन लिखेंगे। अब ये देखो, मैं पहले इंग्लिश में बोल लिखूंगा, बाद में ये मराठी में आएगा, ठीक है। तो मैं कैसे करना हो, कैसे करना है आपको देखना है। देखो मैं इसको बोलेगा, ये चाइनीज चाइनीज लोगों को पकड़ा है, उसको बोला तू कौन रहे, मैं चाइनीज हूं, तू कौन रहे, मैं चाइनीज हूं, मैं कौन रहे, चाइनीज हूं। तो ये चाइनीज 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 ये यानी सब सेम है, सबका फोटो सेम आ रहा है ना, इसलिए इसको एक्स लिखते हैं मराठी में, उसको एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये सब चाइनीज है इसलिए एक्स बोला, लेकिन चाइनीज को इसके लिए इसकी इसको डायरेक्ट बाम्बू डाला, ये दबा दब इंडियस ने जो उसको मार रहा, देख क्या, लेकिन तू चाइनीज है, लेकिन तू है कौन, तू है कौन, ये बोलेगा मैं चाइना का फालतू आदमी है, मैं चाइना का कैप्टन हूं, मैं चाइना का सोल्जर हूं। तो ये इसका ये एक्सप्लेनेशन है, ये प्रत्येकाचा वर्णन है। तो ये एक्स क्या है रे तू, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ, ये कितना इजी है, नेचुरल नंबर। अब ये याद करेंगे तो बोलेगा अरे यार बहुत बेहतरीन टेक्निक है, आपको फ्रेंड को बताओ, फ्रेंड भी खुश हो जाएगा, बोलो अरे ये नारायण गवान एकेडमी ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज्यादा से फ्रेंड को दो, बोलेगे अरे क्या मजा आ रहा है, क्योंकि हमारा एफएम 1.4 मैच को हम 1.4 करते हैं। देखो वापिस देखो, उसको क्या बोलते हैं, ये तो कौन है रे, एक्स है, लेकिन है कौन, इसको ऑब्लिक बोलते हैं, ओके ऑब्लिक, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो मराठी में उसको बोलते हैं एक्स, बोला। पर एक्स है कौन, असं बोलला ना, एक्स हाय कोण, मग इथे काय बोलायचं, एक्स ही नैसर्गिक संख्या आहे, एक्स ही नैसर्गिक संख्या आहे, किती सोप्प आहे गणित, फार सोप्प आहे, अख्ख्या जगा गणित सोप्प आहे, कारण ते माणसाने तयार केलं, ओके। तो ये इंग्लिश लर्निंग के लिए दोन लिखेंगे, उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और ये रूल मेथड, मराठी मीडियम के लिए ही यादी पद्धत और ही गुंद्रम पद्धत, ओके। हम अभी आगे सोचो, हम अभी आगे जाएंगे, यस, ये बहुत इजी है। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, संस यादी पद्धति ने लिया, आपको ये पूरा यादी पद्धत करने वाले लिस्टिंग मेथड, आप लाइफ में भूलेंगे नहीं, ये लाइफ में भूलने वाले नहीं है। आप बचपन में फोर्थ स्टैंडर्ड में देखा होगा, भारतीय सौर महिना, सौर वर्षातील सर्व महिन्यांचा संच, सौर हा म्हणजे तुमची आता सध्या चालू आहे ना, आमचं सर्व महिना चालू झालेला आहे, हो काय बोल बोलची नाही, अजून वेळ हो, आमची घटरे नाही गेली, तो तुम्ही बिहारमध्ये गेले त्या साईडला, उत्तर प्रदेशमध्ये गेले तर श्रावण महिना सुरू झालेला आहे, आपल्याकडे पण सुरू होणार आहे 26 तारखेपासून। तर ये स्टार्ट करते है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये स्टार्ट ए, तुम्हाला सौर महिना माहिती, आपको डिड यू नो, डू यू नो अबाउट द सोलर इयर, सोलर इयर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, आपने सुना होगा। तो हम ये लिखेंगे इंग्लिश में, बाद में इधर मराठी में लिखेंगे, ये आपको स्पेलिंग परफेक्ट आना चाहिए, ये हमारा चैत्र, चैत्र भूलना मत है स्पेलिंग, ये चैत्र, ये बाद में वैशाख पहला वर्ड कैपिटल, ये वैशाख, यस, बाद में ये ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ, हाँ लाइफ में भूलना मत, ओके। बाद में आषाढ़, ये इधर से लिखे, चलो इधर इधर लिखे के चलो, ये लाइफ में भूलना मत, ये बाहर करके रखो, लाइफ में भूलना नहीं, आपके टीचर बहुत ब्रिलियंट है, स्कूल के क्लास के
ये मेरे फ्रेंड है सब। हाँ बहुत मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है बॉस सर। मेरा वीडियो स्कूल पे क्लास पे वायरल कर रहे हैं, इसके लिए मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। ये भाद्रपद, यस भाद्र त्री बराबर है। हाँ स्पेलिंग गलत होगा तो मुझे बोलना बेटा। भाद्रपद ये है इधर। ओके बाद में अश्विन, अश्विनी बगा तू बेटा। अश्विनी हंस रही है, ये अश्विन, ये कार्तिक है, कार्तिक भी हंस रहा है। अरे मेरा नाम आ रहा है, ये मेरा नाम यूट्यूब पे आ रहा है, ये मेरा नाम यूट्यूब पे है और नाच रहा है। मार्गशीर्ष, ये मनीष, मनीष खुश, मार्गशीर्ष यस शीश एस एच आया। तो बाद में पौष, दे लाइफ में भूलना मत। हाँ माघ, वाघ ना है, वाघ वाले तो खुश हो रहे हैं, अरे मेरा नाम आ रहा है। वाह फाल्गुन, रे फाल्गुनी, फाल्गुनी खुश हुई, मेरा नाम यूट्यूब पे गवाने सल रहे ले रहे हैं। यस फाल्गुन, हाँ ना तो फाल्गुन बोला, फाल्गुन समझे। तो ये आपको बाहर करके रखना है। हम अभी क्या लिखेंगे, मराठी के लिए करेंगे, जो मराठी वाले स्कूल पे लिए आपके लिए। हम इधर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको जगह कम है। अभी मराठी मराठी लिखवा तो मई थी, तब तो इंग्लिश में नहीं, बाहर करके रखो। मैं इधर मराठी के लिए लिख रहा हूँ। ये चैत्र, चैत्राली, वैशाख, वैशाखी, हाँ वैशाख आया। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पुत्र खुश है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, मुलं फार हुशार झालेली आहेत। आषाढ, आषाढ महिना आहे, हाँ नाचा आता, आषाढी आली, श्रावण आता चालू होणार आहे, चालू झालेला पण आहे। भाद्रपद, भाद्रपद चौथीला पण शिकलो। अश्विन, हे अश्विन इथे बघ, अश्विन बोलतो माझा ना यूट्यूबर आला, अरे मी खुश आहे। अश्विन, अश्विन कार्तिक तर नाच रहा है, मेरा नाम आ रहा है यूट्यूब पे, ये अरे वाह सुभान अल्लाह। कार्तिक आपण काय बोलतो, अग्रहाय, हा अजून एक आहे, ये नेहमी चौथीवाली पुढे लक्षात ठेवा, ते चौथीला होऊन गेलेले। पौष, पाठ करून ठेवा, तुम्हाला लिहायला लागणार आहे। माघ, मागे बघू नकोस। फाल्गुन, हे फाल्गुनी, हो मीच बोलतो आहे, मीच बोलतो, मागे नको बघू। फाल्गुन, ओके तर हे एकदम इझी आहे ना, तर हे आपल्याला परत पाठ करायचं आहे, याला म्हणतात यादी पद्धत। आता हे झालं चौथ्यातलं पहिलं, आता अभिलय घे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर, उसको बोला है लेटर इन द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट या शब्दातील अक्षर। तो ये आपको डबल नहीं लेना है, एक दी एक दफा पेड़ा लेना है, एक ही दफा पेड़ा लेना है, डबल नहीं लेना है। हाँ शांति रखो, ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट लेटर कौन सा भी लिख सकते है कॉम्प्लीमेंट के लिए। हाँ यस टेंशन मत लेना, आप बोलेंगे चलो हम सेट एक्स लेंगे, वाई लेंगे, बी लेंगे, कौन सा भी लेंगे, चलो ये हम क्या किसके लिए ले रहे, ये हमारे बी के लिए ले रहे, सेट बी है। मराठी मीडियम हे तुम्ही कोणतं पण नाव लिहू शकता, दिलं नाही आहे इथे बी लिहिलं, हे डबल नाही लिहायचं, जो शब्द डबल आहे तो लिहायचा, सिंगल लिहायचा, उलटा पाटा लिहा चालेल। देखो इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश, आपको ये लिस्टिंग मेथड लिखनी है, तो ये सेट कौन सा भी नाम लिख सकते हैं, इधर कोई निधिकार नहीं है, तो ये हम इधर लिख सकते हैं। ये देखो ये मेरे साथ बोलते जाना जल्दी, ये देखो ये सी आया कॉमा ओ आया, ध्यान रखना डबल आना चाहिए। हाँ मैं डबल आया तो मुझे बोलना है एम आया, बोलते जाना मेरे साथ, बोलते जाना एम आया, ये पप्पू, ये पी आया, बाद में ये एल आया, हाँ ये लंदन आया, बाद में ई आया, ए ई ई, ए एडा, बोलो ना यार
बाद में एन आया, ये बाद में ये टीवी आया, ठीक है। कोई से डबल नहीं लेना है, कॉम्प्लीमेंट इतना इजी है। अभी सपोज आपको डॉल आया, डॉल तो डी कॉमा ओ एल लेंगे, एल एन नहीं लेंगे, हाँ इतना याद रखना है। डबल आया पुल, पी यू डबल एल, तो पी कॉमा यू कॉमा एल लेना है, ठीक है। तो ये अभी देखो इधर क्या बोला है, ये सबसे मेन है, आपको लिखना है, टेंशन मत लेना है। यहाँ देखो क्या बोला है, इधर सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, ह्यूमन कैसे से आपको थोबड़ा देखो, ये आपके नोज है, पहला कौन सा है, सेंसरी ऑर्गन मानवाचे सर्व ज्ञानेंद्रिय, आपला थोबड़ा बघा सगळे, ए यस थोबड्याकडे नाक आहे, डोळा आहे, डोळे आहे, नाक आहे, कान आहे, डोळा आहे, जीभ आणि त्वचा आहे, हे आपण चौथी पाचवीला शिकलो, तेच इंग्लिश मध्ये, इंग्लिश मीडियम, वी हॅव स्टडीड द फोर्थ स्टँडर्ड सिक्स स्टँडर्ड। ये सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, नोज है, ईयर है, आय है, टंग एंड स्किन है, तो हम ये लिखेंगे। इधर नाम नहीं दिया है तो हम इधर कौन सा भी नाम लिख सकते हैं, ये चलो हम लिखा इधर ए, ठीक है। पहले इंग्लिश मीडियम के लिखे लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए पहला बोलो सेंसरी ऑर्गन नोज, यस, नोज के बाजू में पीछे ईयर्स, ए डियर कौन सा भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ आईज लिखा, मेरे साथ लिख के जाना नहीं तो बोलते जाना, टंग, ये टेंशन मत लेना, आया। बाद में ये स्किन है, मराठी मीडियम इसको हम ए लिखा, मराठी मीडियम टेंशन नहीं लेना है, पहले मराठी मीडियम नाक, हलो नाक, नाकाला हाथ लाओ, नाकाच्या मागे कान, काना हाथ लावला, चल पुढे डोळे, डोळ्याला हाथ लाव, डोळे, डोला डोला डोला, जीभ, जीभ बाहेर काढू नको, हसते गपचूप, जीभ, नंतर त्वचा, बाजूला चिमटा काढ मग कळेल लगेच, हा ओके यस स्टार्ट। अबे लेंगे थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, अभी उसको फोर्थ नंबर क्या बोला है, देखो ये आप लाइफ में भूलेंगे नहीं, फोर्थ नंबर सेट ऑफ प्राइम नंबर, मूल संख्या सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20 में बोला था, ये आपको बाहर करके रखना है। मुलांनो मी सांगितलं होतं, हे तुमचं पाठ करायचं 1 ते 20 मधील मूळ संख्या, ती कोणाच्या पाड्यामध्ये नाही, ती कोणाच्या पाड्यामध्ये नाही, याचं नाम दिलंय, सेट का नाम नाही दिलंय, तो हम कौन सा भी लिख सकते। चलो हम क्या लिखेंगे, पप्पू, पप्पा मारा गप्पा, पप्पा इधर आ बेटा, बेटा नहीं पप्पा, पी लिया। तो ये पहला मूल संख्या, पहली मूल संख्या मूल दो न, प्राइम नंबर पहला टू किसके टेबल में नहीं है, थ्री ये बात करेंगे 1 to 20 है, 1 3 ये किसके टेबल में नहीं, बाद में 5 ये किसके टेबल में नहीं, बाद में 7 बाद में 11 बोलो बोलो बोलो, बाद में 13 मेरे साथ बोलते जाना, यस, बाद में 17 खतरा, ये 19 19, आप चेक करो, बोलो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये मराठी मीडियम मूल संख्या, इंग्लिश मीडियम प्राइम नंबर, ये प्लीज ध्यान रखना है, आपको करना है, ये अभी सबसे मेन है लाइफ में, ये भूलेगी नहीं। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वी हैव स्टडीड इन द 7th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, पृथ्वीवरील खंड, श्रीखंड नाही खंड, आपला माहिती खंड, आशिया खंड, आफ्रिका खंड, युरोप खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, आफ्रिका खंड, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, इंग्लिश में बोलते आशिया, अफ्रिका, यूरोप, ऑस्ट्रिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। तो हम पहले इंग्लिश के लिए लिखेंगे, तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश के लिए ए बच्चो इधर आया है, इंग्लिश मीडियम के लिए हम स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ बोलते जाना, ये बात करके जाना, आशिया, आशिया, हाँ आशिया, अफ्रीका, ये बाहर करके रखो, टेंशन मत लेना, स्पेलिंग गलती होगा तो मुझे बोलना, अफ्रीका आया, यूरोप, हाँ ये आपको बाहर करना है, ओ यस अफ्र, ऑस्ट्रेलिया, हाँ सबसे छोटा,
ये आपको मालूम है इसके साथ हम क्या खेलते हैं, मैच खेलते हैं ना। हाँ वो लाइफ में भूलेंगे नहीं। हाँ वो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं ये हमारा सबसे और हमारा प्यारा फ्रेंड। यस साउथ अमेरिका हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। हाँ टेंशन मत लेना। और नॉर्थ अमेरिका अमेरिका हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड है। उसने चाइना का दायना किया है। टेंशन मत लेना। हमको होंगे कामयाब इस दिन। अब होंगे कोरोना को मारेंगे। अटांटिका ओके। तो हम इधर अभी मराठी के लिए लिखेंगे वही। टेंशन मत लेना मराठी में लिखेंगे। आपको इंग्लिश मीडियम तब तक भाई बाहर करके लिखो, बाहर करना है आपको तब तक मराठी मीडियम के लिखता हूँ मैं। आशिया सगात मोटा खंड सबसे बड़ा। अफ्रीका तुमसे आवड़ती लोक है ना निग्रो सगळ्यात निग्रो नाहीत काही चिकने पण आहेत। युरोप तुम्हाला जायचं युरोप मध्ये जायचं फिरायला। युरोप ऑस्ट्रेलिया जिथे तुमची मॅच खेळता तुमचे आवडते प्लेयर आहे तिथे ना। ऑस्ट्रेलिया बरोबर ना। आता तुम्ही माहिती ऑस्ट्रेलियाबरोबर मॅच खेळणार तुम्ही ओके। थंड प्रदेश अटांटिका टेन्शन घाई घ्यायचं नाही। काही मुलं घाबरतात। नवी सोपं आहे। दक्षिण अमेरिका जा भारताचा मोठा फ्रेंड आहे त्याने चायनाला मस्त दायना करून टाकली। दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका तो छानपैकी उत्तर देतो आहे चायनाला। चायना घाबरली। जय हिंद। निंद गई चाइना की निंद। अभी लेंगे नेक्स्ट सम। तो हम लेंगे सम नेक्स्ट सम फाइव। अरे मेरे बॉय गणित में बहुत इजी हाय मत करो हाय हाय पांच आता करी करा गणिता मध्ये नाच। बहुत सिंपल। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। अभी रूल मेथड करना है। ये लिस्टिंग मेथड है उसका हम कन्वर्ट करेंगे रूल मेथड। ये चाइना को मारेंगे हम। खाली संच ही यादी पद्धत आहे त्याचं गुणधर्म पद्धत करायचे आहे। एकदम इझी आहे बघा। टेक्निक स्टार्ट। तर ये हम स्टार्ट करते है। यस इसको बोलेंगे ए। ये आया तो उसको हम कैसे बोलेंगे देखो। आप लाइव पे भूलेंगे नहीं। आपकी नजर अच्छी होनी चाहिए। नजर हटी दुर्गा का नगड़ी। तुमचं डोळे नीट चांगले पाहिजे। ज्याचे डोळे चांगले त्याचं गणित चांगलं। हा एकाचा वर्ग हा दोनाचा तीनाचा चाराचा पाचाचा सहाचा सताचा आठाचा नवाचा दहाचा हे सम कुणाचे तरी वर्ग आहे। दिस नाव लुक ए लुक ये सम ऑल नंबर्स आर समबडी स्क्वेअर। ये वन स्क्वेअर ये टू स्क्वेअर थ्री स्क्वेअर फोर स्क्वेअर फाइव स्क्वेअर सिक्स स्क्वेअर बोलो ये सेवन स्क्वेअर एट स्क्वेअर नाइन स्क्वेअर टेन स्क्वेअर आया ना। तो अभी इसको बोलेंगे उसको ये पूरा ये सबको पकड़ा है। तू कौन रे तू कौन रे तू कौन रे ये तू कौन रे मैं एक्स हूँ एक्स है लेकिन तू एक्स कौन है इसको मारा ये बाम्बू मारा है ऐसे इसको मारा है। तो ये बोलने लगा मैं एक्स बोलने लगा मैं स्क्वेयर ऑफ समबडी स्क्वेयर ऑफ समबडी। देखो मैं कैसे बोलूं स्क्वेयर ऑफ समबडी लेकिन मैं एन बोला मैं आई एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देख मैं स्क्वेयर ऑफ समबडी बट आई एम द बिलोंग टू नेचुरल नंबर ओके। लेकिन मैं देखो ये एक हूं ये मैं दस तक हूं ये वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर ये टेन तक है। तो हम ऐसे लिखते हैं ये एन एन स्मॉलर देन टेन
10 से कम और इक्वल भी है, इसका मीनिंग आपको बोल रहा हूं, n इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 10, ये सबसे बढ़िया है, लाइफ में भूलना मत। मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम यही लिखेंगे, मराठी में कैसे बोलता हूं, एक गुंद्रमा पद्धत है, इंग्लिश में बोलते हो उसको, बोलो उसको बोला है ना, इधर देखो रूल मेथड, तो ये उसको बोला है, एरा एरा विचार ले, हेतु कौन एक्स है, पतु कौन है एक्स है, पहले फटके मार ले या दांडका टाकला, बरोबर है, तो ये पण मी कुणाचा तरी वर्ग आहे, हा बोलतोय एक्स, हा मी कुणाचा तरी वर्ग आहे, संबडी म्हणजे एन लिहिला, मग कोण एन म्हणजे कोण आहे, मी बाबा मी धनसंख्या आहे, मी नैसर्गिक संख्येचा घटक आहे, पण मी 10 इतका आहे आणि 10 पेक्षा लहान पण आहे, 10 इतका आहे आणि 10 पेक्षा लहान आहे, बघा एन जे इथे मी 1 घेतले, 1 1 1 स्क्वेअर 1, 2 घेतला 2 स्क्वेअर 4, 3 घेतला 3 स्क्वेअर, बोलो 3 स्क्वेअर 9, हे 4 स्क्वेअर, हे 5 स्क्वेअर, हे बरोबर कळलं, ही आयडिया ही टेक्निक, तर हा हे लास्ट आहे, हा 10 10 स्क्वेअर आया, मग हे बरोबर आहे, ओके तो हम लेगे नेक्स्ट, अभी आपको ये रुकना है, बघा हा 6 चा पाठ आहे, ये देखो ये 6 का टेबल है कि नाही, 6 का टेबल है, देखो 6 6 7 12 7 18 6 8 6 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
से करते हैं। आप लाइफ में भूलना मत, मेरा जो आइडिया है आप भूलेंगे नहीं। माझी टेक्निक बघा मी कसं सांगतो आहे ते। भरपूर पद्धती आहेत, तुमच्या स्कूलमध्ये सांगणार, क्लासमध्ये सांगणार, पण मी तुम्हाला एकदम सोपं सांगणार। ते का वाईट सांगत नाही क्लासचे सर, शाळेतले सर, पण मी तुम्हाला हा बी बबल्या ये सेट का नाम बी है, तो हम बी लिखेंगे। तो इसको पूछा मैं, हु आर यू? आय एम एक्स। ठीक है, तू कोण आहे? मी एक्स आहे। बट एक्स, प्लीज एक्सक्लेम अबाउट यू, तुझ्याबद्दल मला एक्सक्लेम कर, वर्णन कर। हो, एक्स बोला, आय एम द टेबल ऑफ सिक्स, मी सहाचा पाडा आहे। पाचचा पाडा फाय एन, सिक्सचा टेबल सिक्स एन, थ्रीचा टेबल थ्री एन। आयडिया कळली बरोबर? मग हा एन ही पॉझिटिव्ह आहे, एन ही नैसर्गिक संख्या आहे, एन बिलॉन्ग टू नॅचरल नंबर, एन बिलॉन्ग टू नॅचरल नंबर। मग मी कितपर्यंत पाडा बोलणार आहे? बोला, सहापर्यंत बोलणार आहे। मग एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ, आठपर्यंत बोलणार आहे ना, मी आठपर्यंत बोलणार आहे। हा दहापर्यंत आहे, आठपर्यंत म्हणजे ही असं लिहू शकतात। ही बेस्ट टेक्निक। हा काय बोलतोय? एक्या बोल रहा है, मग लेस दॅन आणि इक्वल टू एट, एन इज लेस दॅन इक्वल टू एट, तर मीन्स वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट, एट तक। तर एन की व्हॅल्यू वन लिहा, इथे एनची किंमत एक घेतली, सिक्स वनचा सिक्स आया, एनची व्हॅल्यू टू घेतली, सिक्स टू जा ट्वेल्व, थ्री घेतली, सिक्स थ्री जा एटीन, फोर घेतली, सिक्स फोर जा टो ट्वेंटी फोर, फाय घेतली, सिक्स फाय जा थर्टी सिक्स घेतली, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सेवन घेतली, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, एट घेतली, सिक्स एट जा फोर्टी एट। बरोबर आहे? तो ये मराठी वेडे इंग्लिश कडे आपको यही लिखना है। ठीक है, तो हम अभी आगे जाएंगे। तो ये स्माइल है, पेपर पे ये आपके लिए आएगा ही आएगा, ये हर टाइम स्कूल के लिए ये सबसे लॉलीपॉप है। याद रखना, मराठी वेडे इंग्लिश वेडे में सी लिखा है, तो हम इधर सी लिखेंगे। ओके, तो उसको पूछा मैंने, आप कौन है? देखो मैं इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम के लिए इधर वापस इधर लिख लो दोनों। आप कौन है? मैं एक्स हूं। इधर एक्स लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन लिख एक्स के बारे में। अरे एक्स तो तेरे मामे बारे में बोल। हे एक्स, एक्सप्लेन अबाउट यू। यस, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक्स, एक्स इज अ लेटर, ये लेटर है किसके बारे में? इन द वर्ड, इन द वर्ड
किसके बारे में? स्माइल, ये सबसे मेन। ओके, ये एक्स ऑब्लिक एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल, बहुत इजी है। यस, तो हम मराठी में कैसे बोलते सकते हैं? याद करो, एक्स मराठीला विचार तू कोण आहे? मी एक्स आहे। हो बाबा तू एक्स आहे, पण तुझ्याबद्दल काहीतरी सांग ना। एक्स हे स्माइल शब्दातील अक्षर आहे। एक्स हे बघा, स्माइल, हा स्माइल नाही, स्माइल इस्माइल हसला बघ, इस्माइल नाही इस्माइल, स्माइल या शब्दातील हो अक्षर आहे। अक्षर बघा, अक्षर असला बघ। ओके, किती इझी आहे, प्रॅक्टिस करून ठेवायची। हा, हे येणार पेपरला, टेन्शन घ्यायचं ना, हे 100% पेपरला येणार, तुम्ही लिहिणार मला गॅरंटी आहे। आपको लिखना है। हाँ, अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम, तो हम लेते हैं फोर्थ नंबर सम, उसको ही बोला है डी। तो इधर हम लिख सकते हैं डी, ए डैडी, बहुत इजी है। ए डी लिया इंग्लिश मीडियम के लिए। हाँ, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिख रहा हूँ, ये मराठी मीडियम के लिए हम थोड़ा नीचे लेंगे, ठीक है। ये सेट है, मराठी संसा है। ए डी, उसको पूछा मैं तू कौन है रे? संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हु आर यू? आई एम एक्स। आप एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, हम थोड़ा चेंज करेंगे वाई, बट वाई एक्सप्लेन अबाउट यू, एक्सप्लेन अबाउट यू, आपके बारे में बोलो। ये बोले वाई इज अ डे ऑफ वीक, वाई ये मैं डे हूं, वाई इज अ डे ऑफ वीक। वीक की स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, नहीं तो ये ए लिखेगे इधर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप वीक हो जाएगी। वाई इज अ डे ऑफ वीक, मग मराठी मध्ये आपण बोलायचं बाबा, मराठीत त्याला कसं बोलायचं? रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार स्वा, तू कोण आहे बाबा? तो मी काय बोलणार? मी आठवड्याचा दिवस आहे, वड्याचा दिवस आहे, आठवड्याचा दिवस आहे। मग त्याला मी विचारलं, तो काय विचारतो? ए तू कोण आहे? मी आहे वाय। बरोबर आहे, पण वाय म्हणजे तू कोण रे? तुझ्याबद्दल सांग रे। वाय बोलतो हा, वाय हा काय बोलतो? हा आठवड्यातील दिवस आहे, हा आठवड्यातील, आठवड्यातील दिवस आहे, सोपा आहे, स्वाहा इथे बघा। हा सोपा आहे ना, हा तो आता पुढे जायचं, एकदम सोपा आहे। हा बहुत इंटरेस्टिंग अभी क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, इट अभी इसको पूछा तू कौन है रे? ए बोला मैं, अभी इधर एक्स है ना, अब लिख सकते हैं वाई। तो यहां उसको पूछा, देखो एक्स इस सेट है, आया एक्स सेट आया, हु आर यू? आई एम वाई। हु आर यू? आई एम वाई। हु आर यू? आई एम वाई। ये बॉय, ये आई एम वाई। लेकिन वाई कौन है रे? वाई इज अ लेटर ऑफ, ये ईड भी हो सकता है और टी ई ए टी, Y is a letter in the word eat or tea, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो Y is a letter, hey better, Y is a letter in the word, हाँ ये याद रखो, in the word, कौन सा word, इसमें क्या क्या होगा? eat होगा, E-A-T, and अपन छा भी तो ना, E-A-T or क्यों or, और टी टी ई ए टी ई ए, ये दोनों लिख सकते हैं, कौन सा भी एक भी चलेगा। हाँ, तो मराठी में कैसे बोलेंगे? यहाँ देखो,
मराठी वाले उसको हम बोल सकते हैं, ए ईएटी तू कौन हाय, मी वाई हाय, मी वाई हाय, पर वाई मुझे कौन है, वाई हे इट किंवा इट किंवा टी या शब्दातील अक्षर आहे, वाय हे इट, इट लिहा, किंवा इट किंवा टी, टी या शब्दातील अक्षर, निरीक्षर नाही अक्षर आहे. ओके, एकदम सोपं आहे ना का, अवघड आहे. आता आपण एक्स्ट्रा प्रश्न घेणार, एक्स्ट्रा मोस्ट एमपी आपके लिए हम ले गए नेक्स्ट साम मोस्ट एमपी. तो फ्रेंड सबसे मेन क्वेश्चन मोस्ट एमपी, आप ये पेपर पे ध्यान देना है. सबसे मेन क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड पे ले गए, मराठी में उसको बोलते हैं यादी पद्धति ले. तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक लड़की लेख वन, उसको डालेंगे हम गन. तो ये देखो, एक्स इज अ डिविजन या शब्दातील अक्षर है. इंग्लिश मीडियम एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड डिविजन. इसके लिए तो आप बहुत सिंपल मैं बोला था, लिस्टिंग मेथड के लिए आप लिख सकते हैं, ये सेट ए है तो इधर ए लिख सकते हैं. आया लिस्टिंग मेथड यादी पद्धत, ये आपको लिखना है लेकिन डबल नहीं लिखना है. ये देखो डी है, हम डी आई रो डी, यस बाद में आ है तो इधर आए, बाद में इधर वी है, इधर वी डबल नहीं लेना है, पेड़ा डबल नहीं लेना है. बाद में वो वापिस आया है तो नहीं लिख सकते, आया है तो. बाद में इधर एस है, ये लिख सकते हैं, एक 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 आना है आपको, आए लिखा है, ओ लिख सकते हैं, बाद में एन लिख सकते हैं. झाला आंसर, ये आंसर हुआ, ये चूहा कितना इजी है, ये पेपर पे आएगा. बाद में आपको ये देखो, सबसे मेन क्वेश्चन है ये लॉलीपॉप है. एक्स इज एक्स ही संख्या शा है कि y square equal to 1. x is a number of such that y square equal to 1. तो ये किसका square root है? y का. ये किसका square root है? 1 का. तो ये plus 1 minus 1. ये देखो, ये सबसे main बोल रहा हूँ मैं, life में भूलेंगे नहीं. अभी ये आया y square equal to, suppose y square equal to 36 आया. तो ये y किसका square root है? y का. और ये किसका square root है? 6 का. लेकिन इधर plus minus लिखना है. इस तरह ये y square equal to 1 है तो ये पेपर पे आएगा y equal to, ये किसका square root है? y का. ये किसका square root है? 1 का, plus 1 minus 1. ये इधर देखो, y square equal to 1 है तो ये किसका square root है? y का. और ये plus minus ये किसका? 1 का. ये फिक्स है. y square equal to 9 है तो ये किसका? y का है. और ये plus minus है, अरे ये 3 का है. ये पेपर पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे. अभी ये y square equal to 16 है तो तुरंत बोलो ये किसका है? y का. अरे प्लस माइनस है 4 का. ये आया तो ये हम लिखेंगे, ये b, बबलू b. तो इसका आंसर मैं बोला था y square equal to 1, ये y किसका square root? y का. तो इसका ये एक square root है, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1, सिंपल आंसर. इधर 36 आया तो ये 36 है, प्लस 6 माइनस 6 लिखेंगे. इधर 9 आया, वाई स्क्वायर इक्वल 9, तो प्लस 3 माइनस 3 इधर लिखेंगे. इधर वाई स्क्वायर इक्वल 16 आया तो प्लस और माइनस 4 लिखे, प्लस 4 माइनस 4. ठीक है, नेक्स्ट. ये आप लाइफ में भूलेंगे नहीं, ये मेरी आइडिया आप भूलेंगे नहीं. इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम ध्यान देना बेटा. वाई इज अ कलर इन द रेनबो. तो रेनबो पर आपको कलर मालूम है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है. इंद्रधनुष्यातील रंग मराठी मीडियम लाइफ में भूलेंगे नहीं, ये याद रखो. जा ता ना ही पा नी पी, ये लाइफ में भूलेंगे नहीं. जा ता ना ही पा नी पी, सांबड़ा तांबड़ा नारंगी हिरवा पांडरा नीला पिवड़ा. तो हम पहले इंग्लिश मीडियम के लिखेंगे, ये हम लिखेंगे सी.
तो पहला मैं क्या बोला था याद करो, वॉयलेट, ये आपको तो मालूम है लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, सबसे मेन वॉयलेट। बाद में इंडिगो, इंडिगो आया, ब्लू, ये तो स्मॉल भी चलेगा। बाद में ग्रीन, बाद में तुम्हारा येलो, यस, बाद में ऑरेंज, बाद में रेड, लास्ट। ये बांट करके रखो, आपको मालूम है लेकिन सी मराठी मीडियम के लिए सबसे लॉलीपॉप है, मैं अभी बोला था। ये देखो जाता नहीं पानी भी, जांभळा। तांबड़ा, मुझे रेड, लाल, नारंगी, हिरवा, निळा, हिरवा पा राहिला, पांढरा राहिला, पांढरा पारवा पण म्हणतात, पारवा आणि पिवळा। हा क्रम उलटा पालटा चालतो। हाँ देखो ये ऑर्डर किसका भी चलेगा, उल्टा पलटा ऑर्डर कौन सा भी चलेगा, लेकिन डबल नहीं आना चाहिए। तो जांभळा, तांबडा, नारंगी, हिरवा, निळा, पिवळा, हे जांभळा, तांबडा, नारंगी, हिरवा, पांढरा, निळा, पिवळा। ओके नेक्स्ट, एक्स इज अ, आता ये हा देखो, एक्स एक्स ही पूर्णांक संख्या अशा आहे की वजा तीन आणि तीनच्या याच्या मध्ये आहे। हे बघा, तीन पेक्षा लहान आणि वजा तीन पेक्षा मोठी। रेडी, ये देखो, ये आपको दिखाता हूं। एक्स इज एन इंटीजर, अभी मैं आपको इंटीजर निकाल के दिखाता हूं। इंटीजर है ना, आपको ये सबसे मेन है, हम उसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ये आपको देखा होगा, आपने नंबर लाइन किधर भी देखा होगा, तो ये नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन है, याद करो, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे ये बीच में क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, और ये 4 भी आएगा, और इधर -4 भी, और डॉट, ये पूरा इंटरेस्ट है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोला है मैं 3 से कम हूँ, 3 से कम हूँ और -3 से बड़ा हूँ, ये -3 से, ये देखिए, यानी ये एक्स वाला, ये दोनों का बीच में, ये देखो एक्स बोल रहा मैं 3 से छोटा हूँ, ये 3 से छोटा ये है, तो ये और -3 से बड़ा हूँ, ये -3 से बड़ा हूँ, ये इतना आएगा। तो ये आंसर आपको लिखना है, तो ये आपका आंसर है, ये पी पप्पू, तो ये आंसर हुआ है, तो ये आपका -2, -1, 0, 1 और 2, कितना इजी आंसर है, आप लाइफ में भूलेंगे नहीं, इतना इजी आंसर है, लेकिन बच्चों लोग ये ध्यान नहीं देते। अभी सबसे मेन है, अभी ये आपको आपका आज का सबसे मेन लास्ट क्वेश्चन, इंग्रजी मधील स्वर, एक्स इज ओवल, आपको 1 मिनट के लिए सोचो, आपके लिए 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी सोचा नहीं सोचा, अरे सोचो यार, कितना इजी है, आपको मालूम है नहीं मालूम तो यस बोलो। इंग्रजी मधील स्वर, इंग्रजी में स्वर माहित ना, वोवल्स, अरे ए ई आई ओ यू, ये आंसर है, ये आपका आंसर, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स है। ये हर टाइम पेपर पे आता है क्वेश्चन, हर टाइम,
यह सबसे मेन क्वेश्चन है, लाइफ में भूलेंगे नहीं। फ्रेंड प्लीज ध्यान रखो, यह हमने आपके लिए लिया है। अरे हेलो, अरे बोलो हेलो, अरे बोलो, हम इधर है सोलो, मेरे सामने आपका दिल खोलो, यानी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, कमेंट करना चाहिए प्लीज। सुन साहेब सुन, सुन मेरी गणित की धुन धुन, यह विश्व हमारा गणित, मान होगा मेरा भारत, ध्यान दो नारायण का गीत, अरे करो मेरे चैनल को लाइक, बोलो बेल बजाओ टाइट, तब मिलेगी आपको मेरी न्यू साइट, यू आर राइट, थैंक यू, मैं साल विथ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।